खुबानी गर्मियों में अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नियामत है। यह एक ऐसा फल है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी खुसूसियात रखी हैं। आज हम आपको खुबानी खाने के 5 ऐसे फायदे बताते हैं जो कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, जो लोग खुबानी खाते हैं उनकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती, या जिनकी नज़र कमज़ोर है अगर वो रेगुलरली खुबानी को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनकी ऐनक का मसला हल हो जाएगा, उनकी कमज़ोर नज़र जो है वो बेहतर हो जाएगी। नाजरीन, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार अफराद और जिनसी बेरग़बती का शिकार अफराद अगर खुबानी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो उन्हें एक माह के अंदर अंदर मर्दाना कमज़ोरी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे लोग जिन्हें हाजमे के मसाइल रहते हैं, जिन्हें पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कब्ज़ का खात्मा नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी खुबानी एक बेहतरीन फल है क्योंकि खुबानी के अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो कि पुरानी से पुरानी कब्ज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 हदद खुबानियाँ खा लेनी हैं। नाजरीन, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियाँ जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, अगर वो भी खुबानी का इस्तेमाल स्टार्ट कर देती हैं तो एक माह के अंदर अंदर उनका चेहरा खुबानी की तरह गुलाबी बन सकता है। नाजरीन, जो लोग हड्डियों के दर्द और बुखारों में मुब्तला हैं, यानी पुराने बुखार जिस्म से नहीं जा रहे, तो उनके लिए भी खुबानी एक बेहतरीन शफा बख्श के तौर पे काम करती है। यानी खुबानी खाएं और बुखारों को हमेशा हमेशा के लिए भगाएं। अपने जिस्म के अंदर, आपके जिस्म में जो पुराने बुखार हैं, मलेरिया वगैरह है या टाइफाइड वगैरह की शिकायत है, तो खुबानी इनको ख़त्म करने में मदद फराहम करती है। नाजरीन, खुबानी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए गर्मियों में खुबानी का इस्तेमाल करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। शुक्रिया।